सो हाय गाइस, वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। अब जो सबसे ज़्यादा शायद मेरे व्यूअर्स का शौक उसी के ऊपर है, जो सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो भी वायरल हुई थी, जो सबसे ज़्यादा चली थी, वो कैट्स के ऊपर थी। सो इस पे मैं अपनी कैट्स का जो मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून या इवनिंग कह सकते हैं, जो सेकेंड मील होता है, हम थ्री टाइम फीडिंग करते हैं, जो सेकेंड टाइम वाला होता है, इवनिंग या आफ्टरनून आप कह सकते हैं, उसमें हम क्या देते हैं, एंड वो मैं अब शूट करूँगा क्योंकि सारी बिल्लियाँ भूखी हो रही हैं। सो लेट स्टार्ट द व्लॉग, होप यू लाइक इट। यहाँ पे सीज़र वेट कर रहा है, ये अरेंज कर दिया। यहाँ पे इनका कैट फूड है, जो इस टाइम शाम का आपने देखा हुआ है क्या खाते हैं ये। शाम को जो है ये आपका क्या कहते हैं, जो हम होममेड फीड बनाते हैं वो खाते हैं। इस टाइम इनका ये डलता है, जो बिस्किट्स कह सकते हैं आप या कैंड फूड जो भी होता है। सबको जैसे जैसे आवाज़ जाएगी वो सब धीरे धीरे आ जाएंगे। ये मेरा तोता बोल रहा है पीछे से, जिसकी आवाज़ आ रही है। एंड इधर मुआज़ा आ गई है, स्नो भी आ गई है। ग्रेस कहीं पे सो रही होगी तो शायद उसको आवाज़ नहीं गई अभी तक। ये उसका भी हिस्सा हम डाल देते हैं। एक बिल्ली कहाँ पे रेलवे दिख रही है कहीं पे, ये हमने डाल दिया, इसके बालों में फंस गया। सो ये इनका शेड्यूल है। अब नेक्स्ट वीडियो कैट्स की जो है इनकी ग्रूमिंग के ऊपर होगी, क्योंकि जैक के काफ़ी सारे मैट्स हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो इसके इतने सारा, ये क्योंकि इसका फ़र बहुत क्वालिटी अच्छी है, सो इसके मैट्स बन गए हैं काफ़ी, जो जिन्हें गांठे कहते हैं बालों की। सो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे, अभी फ़िलहाल ये खाना खा रहे हैं। तो एक छोटा सा वीडियो है कैट्स के ऊपर, मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ फिर से। ये मुआज़ा है, इसको आप यहाँ देखें, ये सबसे बेस्ट कैट है मेरी, शी इज़ मुआज़ा एंड शी इज़ अराउंड 9 months ऑफ एज। ये जैक हैं भाई साहब, बहुत सारे बच्चों के बाप बन चुके हैं ये, और ये 2 साल का नहीं, 1.5 साल का है अभी जैक। ये सीज़र है, ये ऑर्डाइज है, इसकी एक आंख ब्लू है, ये ग्रेस है, स्नो है, सॉरी ग्रेस अभी अंदर है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। फिलहाल ये मुआज़ा है, इसके भी काफ़ी अच्छा फर है, तो इसके भी मैट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, गांठ बन रही है। अब शाम को इनको दोबारा से जो फीड होती है आपका क्या कहते हैं, मैं फीड भी आपको दिखा देता हूँ। ये इनकी फीड है जो कलेजी और राइस मिलके बनता है, ये बहुत शौक से खाते हैं। ये है, ये शाम को डलेगा, और शाम को एग्स भी दिए जाते हैं इन्हें बॉयल्ड एग ग्रेट करके उसके साथ में, जो शायद आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। हम ऊपर रख रहे हैं क्योंकि जो हमारी जेल्डा है उसको हम खोल के जाएंगे, तो जिससे बिल्लियों का खाना ना खा जाए, तो यहाँ पर हमने ऊपर रख दिया है मेज़ के ऊपर। रेलवे जैक को छोड़ देना ऊपर, किसी को भी एक को छोड़ दो, आराम से आराम से आराम से आराम से खा लो। वो थोड़ा सा नीचे गिर गया तो वो सब नीचे से खा रहे हैं। सो ये हमारा इवनिंग रूटीन है, इसी के साथ एंड करते हैं इस बिल्लियों वाले व्लॉग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।